राघव स्लीपर हटाओ यहां से। जल्दी मैंने काम है। मैंने राज राठौर राज लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे। ठीक है ओके। अर्पित श्रीवास्तव क्यूट में नहीं थे। क्यूट क्लास में एब्सेंट क्यों थे? नहीं तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लो ना, क्या प्रॉब्लम है? ब्रॉडबैंड नहीं है बल। नेटवर्क प्रॉब्लम को थोड़ा सा आप लोग रिमूव करिए, अरेंज करिए, किसी ना किसी तरह से मैनेज करिए। हर्ष अग्रवाल कल तुम्हारी कोई क्वेरी थी क्या? अच्छा
SDLC दोबारा से बता दें। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को जो भी डाउट होंगे तो उनके डाउट भी इसी रिवीजन क्लास में निकल आएंगे और वो अपने रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल इज आल्सो नोन एज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC। ओके, सो SDLC इज द मैकेनिज्म। अभिनव श्रीवास्तव टाइमली ज्वाइन किया करिए, ठीक है। कल लेट में आप लगभग 20 मिनट्स क्लास चल गई, उसके बाद आप ज्वाइन कर रहे थे, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट परमिट यू। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए, 5-10 मिनट तो ठीक है, अदरवाइज फिर मतलब है नहीं उसका, तो पहले से रेडी रहिए। सो SDLC has various important steps। ये देखिए अभी तक लोग चले आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज, हम डायरेक्टली स्टेप्स लिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड वन इज फीजिबिलिटी स्टडी। थर्ड वन इज एनालिसिस। माइक ऑफ कर दो जिसका भी है। फोर वन इज डिजाइन। फिफ्थ वन इज इंप्लीमेंटेशन। टेस्टिंग, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन, एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, ये कॉमन स्टेप्स हैं। मे बी अगर आप बुक रेफर करेंगे तो इन डिफरेंट बुक ये स्टेप्स दूसरे नाम से या दूसरे अल्टरनेटिव सिनोनिम से भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे सपोज इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है तो कहीं कहीं पे होगा प्रिलिमिनरी एक्सप्लेनेशन या रिकॉग्निशन ऑफ नीड, जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है। सो इन द फर्स्ट स्टेप इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आवर मोटिव इज टू रिकॉग्नाइज द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द यूजर, एक्चुअल नीड ऑफ द यूजर विद हेल्प ऑफ वेरियस इन्वेस्टिगेशन मेथड्स। इसमें आपका ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, ऑफ साइट ऑब्जर्वेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर्स, मोटिवेशनल ट्रेनिंग सेशन, किसी ना किसी तरह से ये मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप यूजर की नीड को आइडेंटिफाई कर पाए और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज ए डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कंक्लूड होता है। अब आगे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि हाउ यू कैन राइट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड टू डिस्कवर द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ और नीड ऑफ द यूजर एंड इट शुड बी डॉक्यूमेंटेटेड। इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और प्रॉब्लम डेफिनेशन। सेकेंड स्टेप फिजिबिलिटी स्टडी। आफ्टर रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम ऑफ यूजर देयर आर मैनी सोल्यूशंस विच केप्ट इन योर माइंड एंड ऑल्सो डिस्कवर अल्टरनेटिव सोल्यूशन। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड डिस्कवरिंग योर सोल्यूशन देयर आर मैनी पॉइंट्स टर्म्स केप्ट इन माइंड वेन एवर यू चूज बेस्ट वन ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव।
जिसमें कि पहला है आपका ऑपरेशनल फीजिबिलिटी, मतलब वो ऑपरेट किस तरह से होगा, टेक्निकल फीजिबिलिटी, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी अब यूज कर सकते हैं, ओनली डिस्कस्ड, अभी टेक्नोलॉजी पे हमने कहीं फाइनल नहीं किया है, बिहेवियरल, पेज कैसे होंगे, यूजर इंटरेक्टिव पेज कैसे होंगे, मैसेज किस तरह से पॉपअप होंगे, यूजर इंटरेक्ट कैसे होगा, कैप्शन का नाम क्या होगा, तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मींस आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट कितना होगा, यूजर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, दीज ऑल थिंग्स आर कैरीड आउट ड्यूरिंग फीजिबिलिटी स्टडी, ये आप स्टडी कर लेते हैं। देन कम टू द एनालिसिस, आफ्टर स्टडींग दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनालिसिस पार्ट इज टेकन आउट इन विच स्टाफिंग पैटर्न, चूज बेस्ट टेक्नोलॉजी, जो आपने टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी स्टडी करी थी उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई किया था, नाउ किसी एक को आपको चूज करना है, व्हाट विल बी द सुटेबल डेटाबेस फॉर योर चोजन टेक्नोलॉजी, कॉस्ट का पूरा आइडेंटिफिकेशन होगा, एंड हाउ कैन यू जस्टिफाई योर कॉस्ट टू द यूजर, आपको ये भी ध्यान रखना है। अभी आप जब आगे पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जब इनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कॉस्ट को आइडेंटिफाई किस किया जाएगा, यूजर को आप सेटिस्फाई किस तरह से करेंगे, यानी कॉस्ट जस्टिफिकेशन करना है। आल्सो मेक ए प्रॉपर शेड्यूल टू कैरीड आउट दीज ऑल स्टेप्स, इन सबका एक प्रॉपर शेड्यूल बनता है, इसको शेड्यूलिंग कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ गैंट एंड पर चार्ट, स्टाफिंग पैटर्न कैसा होगा, देयर आर सेवरल स्टाफिंग पैटर्न्स अवेलेबल ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें चीफ प्रोग्रामर, CHIEF चीफ प्रोग्रामर मींस एक मेन प्रोग्राम होगा, उसके अराउंड टीम आपकी कॉन्स्टिट्यूट होगी। सेकेंड इज डेमोक्रेटिक, मींस टीम होंगी और उसमें नंबर ऑफ पर्सन लीडर की तरह वर्क करेंगे, एंड डेमोक्रेटिक का मतलब एवरीवन हैज टू पुट देयर सजेशंस। और एक होता है मिक्स्ड, इसमें चीफ और डेमोक्रेटिक भी रहेगा, साथ ही साथ बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, इस तरह से टीम कॉन्स्टिट्यूट होती है, इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड। तो ये स्टाफिंग पैटर्न ही होता है, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये एनालिसिस पार्ट में आप हैंडल करते हैं। और एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है नोन एज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS, इसको हमेशा ध्यान में रखिए नाम, क्योंकि ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट लिखे हैं, ये समझ लीजिए इतने क्वेश्चन लिखे हैं, ये जितने भी 8 पॉइंट आप देख रहे हैं, ये 8 स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर एंड सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है, वो चाहे आपका सब्जेक्टिव हो, मोस्ट प्रोबेबली सब्जेक्टिव होगा, एंड मे बी ऑब्जेक्टिव, ये भी हो सकता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जो भी हम लोग का क्विज वगैरह स्टार्ट होने वाला है, या प्री एंड सेमेस्टर में भी जो पॉसिबिलिटी बनेगी, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। देन कम टू द डिजाइन पार्ट, डिजाइन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनालिसिस, इसमें आप वर्किंग मॉडल किस तरह से दिखेगा, जो हम पेज और डेटाबेस की बात कर रहे हैं, वो पेजेस का इंटरेक्टिव लुकअप कैसा होगा, ठीक है, डेटाबेस की टेबल का किस तरह से डिजाइन करेंगे, प्राइमरी कीज कैसे कैसे होंगे, रिलेशनशिप टेबल के बीच में कैसा होगा, दीज ऑल एस्पेक्ट्स आर कैरीड आउट इन डिजाइन। नेक्स्ट कम टू द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन इनटू वर्किंग मॉडल, एक्चुअल वर्किंग मॉडल, मतलब जो आपने डिजाइन किया उसको कोड कर दिया, कोड के फॉर्म में। तो इम्प्लीमेंटेशन में 2 से 3 एक्टिविटीज होती है, इम्प्लीमेंटेशन में पहला तो कोडिंग, दूसरा कनेक्टिविटी विद डेटाबेस, और साइड बाय साइड जो हम टेस्टिंग की यहाँ बात कर रहे हैं, जो बाद में कर रहे हैं, इसमें भी टेस्टिंग इंक्लूड होती है, किसी किसी बुक में आपको दिखेगा, उसको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम आपको जब पूरा आपका सब्जेक्ट 6 मंथ 4 मंथ का सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, तो बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं, वो चाहे सरप्राइज टेस्ट हो, चाहे क्विज हो, असाइनमेंट हो, प्री एंड सेमेस्टर हो, ये सब क्या हो रहे हैं, हमारे यूनिट वाइज टेस्ट हो रहे हैं, और ये जो टेस्टिंग है ये आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम है। तो बिफोर एपरिंग टू एंड सेमेस्टर एग्जाम, हम आपके स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डीपली क्वेश्चन पूछ करके
और साथ ही साथ परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके आपको प्रिपेयर करते हैं फॉर योर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन लाइक टेस्टिंग। ये जो लास्ट में जो टेस्टिंग होती है आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एंटायर सॉफ्टवेयर, इसके साथ साथ पैरेलल में भी यूनिट टेस्टिंग भी होती रहती है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज आल्सो कैरीड आउट दिस एक्टिविटी, ये आपको किसी किसी बुक में मिलेगा। तो ये एक्टिविटी भी इसमें साथ ही साथ परफॉर्म होती है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के मैंने आपको तरीके बताए थे, उसमें इमीडिएट था, ठीक है, पायलट वर्जन था, पैरेलल था, फेज वर्जन था, वो डिफरेंट टाइप के इम्प्लीमेंटेशन थे। नेक्स्ट कम टू द पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इज द कैरीड आउट आफ्टर सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड यूजर इज गोइंग टू वर्क योर सॉफ्टवेयर, देन आफ्टर वर्किंग मे बी देयर आर सम न्यू रिक्वायरमेंट जनरेट, मे बी ऑल्सो यूजर कैन चेंज इट्स वर्किंग स्टाइल, मतलब जो आपने फॉर्म बनाया उसको में उसमें कुछ चेंज चाह रहा है। तो दिस एक्टिविटी इज कैरीड आउट इन द सेक्शन ऑफ पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड इट मे और मे नॉट बी चार्जेबल, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके SRS में जो एक आपका बॉन्ड पेपर टाइप का होता है उसमें किस तरह से मेंशन हुआ है। वहां पे अगर ये रहता है कि देयर आर सम स्कोप टू चेंज द रिक्वायरमेंट एट लेटर स्टेज व्हेन यू डिलीवर द सॉफ्टवेयर, तो आप वहां पे चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये चीज वहां मेंशन नहीं होती है तो यू मस्ट बी चेंज, मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर एट लेटर स्टेज बट मे बी चार्जेबल, ठीक। नेक्स्ट आफ्टर सक्सेसफुल दी 7th स्टेप डॉक्यूमेंटेशन यूजर मैनुअल means all development procedure steps database analysis, ये जितना भी आपने कैरी किया है इसके अलावा जितने भी modules हैं subordinate files हैं इन सबको document कर दिया जाता है और एक final document user को handover कर दिया जाता है। उसमें सारी information रहती है whenever he consider concern there may be some problem with this document, इससे concern कर सकता है। और also अगर इसको ही आगे एक्सटेंड करना है, इसके किसी मॉड्यूल को एनहेंस करना है, तो एज डेवलपर आप भी इस डॉक्यूमेंट को रीड आउट करके उसी पैटर्न पे आगे डेवलपमेंट प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कुछ भी आता है आपको यही सारे स्टेप्स लिखने हैं। ओके हर्ष अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल बीच कहां चले जाते हो? हैं? नेटवर्क इशू है, समझ में आ गया ना? तो और भी जिसके भी डाउट थे, जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम थी, ज्योति सब अच्छे से देख लो, ठीक है। यही स्टेप्स हमने आपको सिस्टम अप्रोच में भी एक्सप्लेन किए थे, वहां पे थ्योरेटिकल अप्रोच थे, दिस स्टेप्स आर प्रैक्टिकल अप्रोच, दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है। दैट्स वाई वहां पे आपको 4 या 5 स्टेप दिख रहे थे, लेकिन उसमें भी आप अगर पूरी लाइन पढ़ेंगे तो उसमें भी स्टेप्स एक ही लाइन में 2 से 3 स्टेप्स का कॉम्बिनेशन था। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जो एक्चुअल में कैरीड आउट होते हैं। नेक्स्ट कम टू द टुडेज इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यूजर कंप्यूटिंग। एंड यूजर कंप्यूटिंग, एंड यूजर कंप्यूटिंग इज द कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसीजर, मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंड यूजर, मीन्स इनपुट सिस्टम वाट एवर यूज बाई योर एंड यूजर, आउटपुट सिस्टम वाट एवर यूज बाई योर एंड यूजर, कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फिगरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ऑल्सो स्टोरेज प्रोसीजरल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी,
नॉलेज लेवल ऑफ द यूजर दिस ऑल एस्पेक्ट्स आर कैरीड आउट एंड हैंडल इन दिस कैटेगरी। मतलब यूजर का जितना भी कंसर्न इन्वॉल्वमेंट है सिस्टम से, क्योंकि आपका यूजर, आपका जो एक्चुअल यूजर है, आपका कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम इज गोइंग टू यूज, उससे सारे कंसर्न इज योर कंसर्न। ठीक है, इवन वो कौन सी मशीन यूज कर रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं उसके में विंडोज अभी तक 8 पड़ा हुआ है, विंडोज एक्सपी पे काम कर रहा है, लेकिन आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो विंडोज 7 या 10 पे सीधे कंफर्टेबल है, उसके लोअर वर्जन पे ये एक्चुअल परफॉर्म नहीं कर पा रही है। कोई फ्लैश सिस्टम आपने लगा रखा है तो उसका वर्जन कौन सा है, कोई डॉक्यूमेंट खुल रहा है इन द पीडीएफ फॉर्म तो वो डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ का है वो किस वर्जन को सपोर्ट कर रहा है, ऑफिस है वो किस वर्जन को सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, ये सारे कंसर्न ये अब आपके हैं। ये अलग बात है कि आप उसको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे टू परचेज, टू रिमूव और चेंज और इनहेंस देयर वर्किंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए इसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स फिर से पढ़ना है अगले एक आज और कल के लेक्चर में, पूरा कंप्यूटर फंडामेंटली रिवाइज्ड इन दिस एंड यूजर कंप्यूटिंग। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आप सभी लोग अवेयर हैं, इसमें कंप्यूटर की जनरेशन जो कि आपकी फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है, इसमें किस किस टाइप के सिस्टम यूज होते थे, इनका ओरिजिन कहां से हुआ था, किस टाइप के सर्किट यूज करते थे, ठीक है, साइज क्या होता था, डिस्क साइज क्या होता था, ये सब हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेटवर्क यूज कर पाते थे, नेटवर्क सपोर्टेबल थे कि नहीं थे, स्पीड क्या थी, रिलायबिलिटी, डेंसिटी, दीज ऑल थिंग्स आर स्टडीड इन दिस कैटेगरी। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। आदित्य सिंह, आदित्य सिंह बताइए बेटा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की क्या फीचर्स थे, बताइए, ये सब तो आपका पढ़ा हुआ है। व्हाट हैपेंड, आंसर करिए जल्दी। हेलो, बोलो बोलो। हाँ ओके, देखिए मेन जब भी आप जनरेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले कुछ फीचर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इन फीचर्स के अराउंड ही हमको वो जनरेशन एक्सप्लेन करनी है, जिसमें कि फीचर्स होते थे हर जनरेशन में जो आपको ध्यान रखने हैं वो होता है साइज, साइज के बाद नेटवर्क जो भी सपोर्ट करता था, थर्ड है आपका सर्किटरी, सर्किट किस तरह से आपका यूज होता था, डेंसिटी, सर्किट की डेंसिटी किस तरह से होती थी, साथ ही साथ रिलायबिलिटी, स्पीड और कॉस्ट, ऑल दीज फीचर्स आर सीइंग बाय यू, सभी लोग को दिख रहा है मैंने कौन कौन से फीचर्स लिखे हैं यहां पे, गौरविस्ट दिख पा रहे हैं, साइज, नेटवर्किंग, सर्किटरी सिस्टम, डेंसिटी, रिलायबिलिटी, स्पीड, कॉस्ट,
लगभग ये कॉमन पॉइंट्स हैं जिनके अराउंड आपका आंसर शुड बी फ्रेम। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया कि वैक्यूम ट्यूब होता था, ठीक है, बहुत हाई साइज होता था, नेटवर्किंग को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता था और स्पीड बहुत, मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही स्लो स्पीड हुआ करती थी। ठीक है, साइज बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ठीक है, लगभग आप समझ लीजिए रूम के साइज का उनका बना होता था, इतने बड़े बड़े सिस्टम लगभग बन जाते थे कभी कभी। कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा कॉस्ट होती थी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन आदित्य चंद्रा, आदित्य चंद्रा मैं रिमूव कर दूंगा अगर आप आंसर नहीं देंगे। हाँ, अगर आंसर नहीं देंगे मैं रिमूव कर दूंगा, ये समझिए। आप कल ट्यूट क्लास में भी अब्सेंट थे, देख लीजिए आप पिछले लास्ट सेमेस्टर में भी यू आर डिफॉल्टर वन और इस बार भी आप लगभग यही है। हाँ ठीक है, इस समय पेंटिंग एंटिंग वैसे होता नहीं है तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा ये रखिए और बाकी आपके पास सबके पास टाइम टेबल है तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही अपने आप को मैनेज करिए। चलिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम को एक्सप्लेन करिए, उनके फीचर्स बताइए। ओके, और इन टर्म ऑफ रिलायबिलिटी देखिए, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि इफ एनी सिचुएशन योर सर्किट इज फेल्ड, क्योंकि सर्किट बेस्ड हुआ करता था, चाहे ये फर्स्ट जनरेशन की बात हो, चाहे सेकंड जनरेशन की बात हो या अभी की भी बात हो, आप अपने मदरबोर्ड को देखिए, कभी अपने सिस्टम को कभी खोल के देखिए, सब सर्किट बेस्ड ही होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो वो सब तो रिलायबल का मतलब कि वो इस सर्किट फेल्योर के ड्यूरेशन में भी कितना रिलायबल है। रिलायबल योर कैन आल्सो जज एज कि व्हेनेवर योर पावर इज कट ऑफ, आपके पास जो भी इन्वर्टर है या स्टेबलाइजर जो भी होते हैं ये आपको एक बैकअप प्रोवाइड करते हैं, तो उस ड्यूरेशन में सस्टेन पर्टिकुलर टाइम में वो सिस्टम आपके वर्क को लॉस नहीं करता, इमीडिएट इफेक्ट नहीं डालता है, आप कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा देते हैं, समझ रहे हैं। तो रिलायबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी यूपीएस की जज कर लेते हैं कि 30 मिनट 15 मिनट ये हमको इतना बैकअप देगा। तो इन द टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी भी आप यहां पे जनरेशन को जज कर सकते हैं। सो सपोज जब फर्स्ट जनरेशन की बात होती थी तो वो आवर्स में थी, रिलायबिलिटी वॉज इन आवर्स, एक घंटा दो घंटा तीन घंटा, बट सेकेंड जनरेशन की जहां बात हुई तो वो डेज में हो गई। डेज का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सर्किट फेल होने के बाद भी सिस्टम घंटों तक काम करता रहा या दिनों तक काम करता रहा, नहीं, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कितने समय तक वो आपका एक तो एक्सप्लॉयड नहीं होगा, दूसरी तरफ रिकवर हो जाएगा, डेटा आपका लॉस नहीं होगा, आपका वर्क भी सफर नहीं होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर एक सर्किट का एक पिन भी निकल गया तो आप तब भी काम करते चले जाना, इसका मतलब ये नहीं होता है। रिलायबल का मतलब आपका वर्क सेफ है, ठीक है, रिलायबल का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कनेक्ट रहे, वर्क सेफ है, लॉस नहीं हुआ है, आपका वर्क सफर नहीं हुआ है, ये सब टर्म्स होते हैं।
नेक्स्ट कम टू द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, श्रुति त्रिपाठी है, बताइए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स। वेरी गुड, साथ ही साथ इसमें आप जो है सिस्टम जो कंप्यूटर होते थे, सिस्टम कंप्यूटर इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि आप फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा था लगभग मेन फ्रेम टाइप के कंप्यूटर, रूम साइज के बड़े बड़े कंप्यूटर बनते थे, ठीक है। सेकंड जनरेशन में भी मेन फ्रेम था लेकिन उनका साइज छोटा हो गया था, बट थर्ड जनरेशन तक आते आते मिनी कंप्यूटर, डेस्क साइज का कंप्यूटर बनता था, मिनी कंप्यूटर जिसको हम लोग कहते हैं, समझ रहे हैं। तो ये भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वैष्णवी, वैशाली, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स बताइए। और ठीक है, गौरव बिस्ट, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के फीचर्स बताएंगे। हाँ, ओके, एंड ठीक है। सो ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये सभी लोग आप लोग फेमिलियर हैं। अगर इस पे कुछ भी बहुत छोटा क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो एंड यूजर कंप्यूटिंग का बहुत वास्ट एरिया है और हमें पूरा डिस्कस करना है, तो अगर जनरेशन से कुछ रिलेटेड आता है तो छोटा सा क्वेश्चन ही आएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो यू कैन एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कंप्यूटर्स या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, तब इस जनरेशन के कंप्यूटर्स का टाइप क्या क्या था, तो आप सबको बताइए। शुरुआत में मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका, जो बड़े बड़े जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में थे, सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका आया था, बहुत रूम साइज इनका बहुत बड़ा बड़ा साइज होता था। उसके बाद सेकेंड में भी मेन फ्रेम ही थे लेकिन उनका साइज थोड़ा सा कंपेरेटिव टू फर्स्ट जनरेशन साइज छोटा हो गया था। थर्ड जनरेशन में लगभग डेस्क साइज का मिनी कंप्यूटर हो गया था, जिसको हम लोग मिनी कंप्यूटर कहते हैं। फोर्थ जनरेशन में हम लोग के पास डेस्कटॉप और लैपटॉप लगभग आपके पास आने लगे थे फोर्थ जनरेशन में। और इस जनरेशन जो फिफ्थ जनरेशन जो इस समय हम लोग चल जिसपे है, जिसपे काम चल रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आर आल्सो येट टू कम, बट इसमें आपके लगभग नेटवर्क कंप्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और क्लाउड सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, जहां पे एक सिंगल सिस्टम का कोई मैटर नहीं होता है। आप अपना बहुत सारा डेटा जो है वो क्लाउड पे या डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग लोकेशन पे सेफली रख सकते हो। तो दीज आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर,
नेक्स्ट कम टू द हार्डवेयर, क्योंकि ये सब कंसर्व करना हमारा ही मेन काम है। तो हार्डवेयर की जब बात होती है तो हार्डवेयर की डेफिनेशन ऑल ऑफ यू नो, ठीक है, जितने भी टचेबल इक्विपमेंट यूज्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम वॉट एवर कॉल्ड बाय यू इज नोन एज हार्डवेयर। जिसमें फर्दर कैटेगरीज हैं आपकी इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज, ठीक है, और इन सबका कॉम्बिनेशन में जो वर्क मेन इंपॉर्टेंट कैरीड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू सिस्टम, ठीक है, आल्सो हार्डवेयर। तो इसमें इनपुट में इनपुट डिवाइसेस के नाम आप सबको पता होने चाहिए, किससे पूछूं कौन कौन बताएगा? अभी पूछ रहे हैं अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कील, अब्दुल्ला कील अब ज्वाइन किया था लेकिन अब्सेंट है, अगर आप आंसर नहीं देंगे तो अब्सेंट रहेंगे। हिमांशु भट्ट, हाँ बेटा, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, और कुछ 4 to 5 इनपुट डिवाइसेस के नेम आप हमको बताइए। पहले इनपुट डिवाइसेस, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट डिवाइसेस? हाँ नाम बताइए, ठीक है, और इनपुट डिवाइसेस के नाम सभी लोग शुरुआत में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की हम लोग बुक पढ़ी थी बी राम की, ठीक है, उस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको लग रहा होगा इनपुट डिवाइसेस तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन जहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं हो सकता है कुछ इनपुट डिवाइसेस के आपने नाम ना सुने हो, और कहीं जो मल्टीपल जो मोर देन वन करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन कहीं पुट कर लिया गया तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसा डिवाइस का भी नाम है जो आपने नहीं सुना है, ठीक है, कीबोर्ड माउस के साथ साथ वो डिवाइस भी दिया गया, अगर उसमें जो आपका मोर देन वन करेक्ट जो वाला क्वेश्चन होता है उसमें यही खास बात है कि अगर आपने कोई भी आंसर को स्किप कर दिया तो पूरा का पूरा आंसर आपका गलत हो जाता है, 0 मार्क्स अवार्ड होते हैं। इसलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ करके रखिएगा, ठीक है, अदरवाइज वेरी स्मॉल थिंग वी आर डिस्कसिंग बट इट इज इन कोर्स इन योर सिलेबस, इसलिए आपको इसको डिस्कस ही करना है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस, हार्दिक तिवारी, इनका तो हमेशा नेटवर्क ही खराब रहता है। ज्योति, आउटपुट डिवाइसेस नाम बताइए, डेफिनेशन। आपका भी हमेशा नेटवर्क में प्रॉब्लम रहता है, एवरी टाइम। योर वॉइस इज नॉट कमिंग टू मी, हाँ आ रही है, तो माइक को बिल्कुल मुंह के पास करके बोलिए। बहुत सही, पूरा खोल के रख लिया।
हाँ हाँ बोलते रहिए बोलते रहिए, बाकी सब लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल फुल्ली ऑडिबल। एंड और भी याद करिए, सिर्फ ईटीसी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट स्टोरेज, कल्याणी एक्सप्लेन अबाउट स्टोरेज एंड टाइप्स ऑफ स्टोरेज। Your voice is not coming. हाँ अब आए, तुम अपना माइक जो है वो बिल्कुल मुंह के सामने ही रखो। क्या देखिए, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग गलती करते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी टाइप्स ऑफ हार्ड जो स्टोरेज है वो होते हैं दो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है वो है दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में फिर उनके टाइप्स बताइए, प्राइमरी के टाइप बताएंगी कल्याणी। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, अरे मेन मेमोरी रैम रोम। हाँ ये वही मैं कह रहा हूं कि अभी भी लोगों को डाउट है, तो अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। वेन एवर यू आर गोइंग टू डेवलप योर प्रोजेक्ट, ठीक है, यू आर गोइंग टू फॉर वाइवा वॉइस ऑफ योर समर ट्रेनिंग, क्योंकि समर ट्रेनिंग का मतलब होता है लगभग 4 सेमेस्टर के बाद 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट यू आर ऑलरेडी लर्न, तो वो पढ़ने के बाद ही आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर ये सब छोटी चीजें मिस हो जाएंगी देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक योर वाइवा वॉइस और इंटरव्यू। तो अभी भी इसमें लॉट ऑफ स्कोप टू लर्न इन डिटेल, ध्यान रखिए इस चीज को। रैम रोम के बारे में बताइए, कैश मेमोरी क्या होती है, ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और उसके बाद लवप्रीत सिंह, सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं। देखिए ट्रेडिशनल जो थे वो मैग्नेटिक डिस्क और टेप का नाम कभी मत भूलिएगा, ठीक है। दीज वर द बेसिक स्टोरेज डिवाइसेज यूज एज ए सेकेंडरी डिवाइस, इसमें भी टाइप होते थे, ठीक। तो इनको मत भूलिएगा, ये वाले नाम बता रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, बट इनको भी याद रखना है जरूरी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट फॉरगेट, ये मेन बेसिक है। अगर आपने ये जो आपने नए बता दिए वो तो ठीक है, बट अगर ये पुराने वाले नहीं बताए जो कि हम लोग पहले यूज करते थे, ठीक है, वो तो फिर आपने आंसर नहीं सही बताया है। और सेकेंडरी जब भी स्टोरेज किसी भी बुक कहीं भी आप पढ़ेंगे, कोई इंटरव्यूअर भी जब आपसे बात करेगा तो उसके एक्सपेक्टेशन में यही होगा। आजकल तो सभी लोग अवेयर है, ठीक है। तो जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइडर होते थे वो होते मैग्नेटिक डिस्क, टेप, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब जो होते थे यूज होते थे। आजकल तो फ्लैश ड्राइव वगैरह सब कुछ बहुत सारे आप कह सकते हैं, साइज भी बढ़ गया है अगर हम साइज की बात करते हैं। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल और एंशियंट जो थे वो यही स्टोरेज डिवाइसेस थे, तो इनको ध्यान रखना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
राज इसको जरा समझा दो, कंक्लूड करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ओके और सभी लोग, इट इज एडवाइजेबल फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू मस्ट स्टडीड अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, जिसमें पूरा आपको पता होना चाहिए, सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम पता होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, मेमोरी, हायरार्की, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कैन बी आज इसका बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। शुरुआत में तो मैंने बोला जनरेशन का नहीं आएगा, लेकिन सिस्टम की जहां बात होगी इट इज वेरी इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एज ए डेवलपर आपको सिस्टम के बारे में ही नहीं पता है तो आप सॉफ्टवेयर क्या बनाएंगे, भले ही आपको बहुत अच्छी नॉलेज टेक्नोलॉजी की वगैरह हो, बट आपको अगर अपने ट्रेडिशनल सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज नहीं है तो फिर वो इट इज नॉट गुड। तो इसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, इसका ब्लॉक डायग्राम। ये क्वेश्चन पूछा गया है इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पेपर ऑल्सो, एंड सेमेस्टर एग्जाम की बात कर रहा हूं, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेमोरी के बारे में पूछा जा सकता है जहां पे एंड यूजर कंप्यूटिंग की बात हो रही है, तो इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, समझ रहे हैं सभी लोग। फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर पे, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द सॉफ्टवेयर, थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। सॉफ्टवेयर आर टू टाइप्स, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, एटलीस्ट 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और 5 सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना है इसको। सिस्टम जनरेटेड, सिस्टम ओरिएंटेड कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं एंड एप्लीकेशन कौन से होते हैं। एप्लीकेशन तो बहुत आसान है, मेन आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना। नाउ इट्स अटेंडेंस टाइम। अब्दुल्ला इज एब्सेंट, अभीत रन श्रीवास्तव, अभिनव, आदर्श, सभी लोग का अटेंडेंस शीट विजिबल है। हाँ, जब तक अटेंडेंस आपकी पीपुल्स ऑफ में नहीं लग पा रही है, उस पर अभी काम चल रहा है, तब तक आप यहां से देख सकते हैं कि कौन किस दिन एब्सेंट था। आदित्य कुमार सिंह, आदित्य राज चंद्रा, आकर्ष, अमन, अमन त्रिपाठी जी एब्सेंट, अनिल गुप्ता, कौन बोलोगे नहीं तो मैं एब्सेंट ही मानूंगा। अनिल गुप्ता एब्सेंट, अंजलि, अंशुल, अंशुमान, अनुपम, अर्पित, असद, आश्रय गुप्ता, अविनीश, आयुष, एकांश एब्सेंट, गार्गी, गरिमा एब्सेंट, गौरव सिंह बिस्ट, हार्दिक शर्मा, हार्दिक तिवारी एब्सेंट, हर्ष अग्रवाल, हर्षित यादव, हिमांशु, ऋतिक प्रकाश, ऋतिक श्रीवास्तव, ज्योति कुमारी एब्सेंट, कल्याणी, कशिश गुप्ता,
अरे तो बोलो ना। हाँ तो बोलती क्यों नहीं, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही? कुशाग्र, लवप्रीत, मधुर, इमरान, निकिता, आर कृतिक, राज राठौर, रंजनी, रत्नेश, रवि, ऋतुराज, सत्यम राय एब्सेंट, शाश्वत, श्रुति, स्तुति, सुचिता, सोनी, जिनकी अटेंडेंस हो गई वो कैन लीव, तान्या, उज्जवल, वैशाली, वैष्णवी, अब्सेंट वैष्णव, विवांशु रंजन, विकास, विजय प्रकाश, वासिक मुस्तफा, यश, हार्दिक तिवारी, बोलोगे नहीं तो फिर अटेंडेंस नहीं लगेगी। ज्योति, बोला क्यों नहीं था अपने समय पे? अब तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा तो बताओ क्या करें, हम थोड़ी ना जोड़ने आएंगे। बाकी सबके तो बोल रहे हैं, बाकी सब लोग बोल रहे हैं, तुम क्यों नहीं बोलते हो? तो थोड़ा सा कुछ करो ना, ऐसे कैसे चलेगा? पता नहीं तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, दिखता है कि नहीं दिखता है। हाँ और कौन है? हार्दिक तिवारी, आज हम लगा दे रहे अटेंडेंस, ठीक है? हाँ लगा दी ज्योति, हार्दिक आज अटेंडेंस लगा दी है मैंने। हाँ ध्यान रखिए। और किसी का? गरिमा सिंह, बोलती क्यों नहीं हो? बस ठीक है, तो तीन लोग अब्सेंट है, अब्दुल्ला, हाँ अनिल लग गई भाई, अब्दुल्ला, एकांश और सत्यम राय, तीन लोग अब्सेंट है, और वो वैष्णवी, चार लोग अब्सेंट है। ओके कौन? अनुपम की लग गई है भाई, बोला ना सिर्फ चार लोग हैं। नहीं नहीं अब ये तो हम नहीं कह सकते, 26 अगस्त की अटेंडेंस अब्सेंट लगी है। अब बताइए मैं कैसे अब इसका क्या करूं, बताओ? जब बोलोगे तभी तो होगा, सामने दिख तो रहे नहीं हो, और मैं सबकी इसीलिए सामने यहां रख करके शीट लगाता हूं, बताइए ना क्या करूं। अब इतने पुराना तो मुझे याद भी नहीं है कि आप आए कि नहीं है, कल परसों की बात होती तो मुझे याद रहता, इतना मुझे कैसे याद रहेगा? तो कागज ही बोलेगा जो बोलेगा, हो सकता है आप बाहर चले गए हो, कुछ रीजन रहा हो, मैं तो इसलिए बुला बुला करके, जिसका नेटवर्क होता है अभी हार्दिक तिवारी को भी बुला बुला करके, भाई जब तक नहीं बोलेंगे तो अटेंडेंस कैसे लगेगी आप बताओ मुझे। चलो जो भी रहा हो, अभी एक ही तो हुई है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाकी क्लास करते रहो, मैनेज हो जाएगा, ठीक है? अब इसको चेंज नहीं कर सकते, करते रहिए, मैनेज हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक? ओके।